हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट 12 चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019 का, जिसका मॉडल पेपर है 33। ठीक है, इससे पहले 32 मॉडल पेपर हम लोड कर चुके हैं, जिसमें शामिल है आपके जीके, जीएस एवं जीए के टॉप 40 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। सो फ्रेंड, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक का जरूर देखिएगा। सो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ फ्रेंड। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी यूनाइटेड किंगडम से न्यायिक पुनरावलोकन लिए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है ऐसे इंडिया में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सरदार पटेल किस सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बारदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल जी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप नोट भी करते चलिएगा। सो फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मरुस्थल का दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है, क्योंकि शाम में उतनी ही जल्दी वो वापस ठंडा हो जाता है, जितना हीट होता है शाम में उतना ही ठंडा हो जाता है, तो अंतर क्या है मरुस्थल में सबसे ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। सो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अशुद्ध, ठीक है, मानव हृदय का जो दाहिना भाग है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जिगर क्या है मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, ध्रुव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पास्कल का सिद्धांत, इस पे ध्रुव चालित लिफ्ट काम करती है। अगला प्रश्न देखते फ्रेंड, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होता है, यानी सेल्सियस प्लस फारेनहाइट का मान जो है किस अंक पे समान होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी -40 पे क्या है ये दोनों समान होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी स्याही, ठीक है, आई का अर्थ होगा स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है। फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी तांबा और रांगा, ठीक है, कांस्य की मिश्र धातु है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राग का कारण है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कोयला दहन ऊर्जा, ये क्या है उड़न राग का कारण है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पीछे में है फ्रेंड। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अमृता शेरगिल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी राज्यसभा। राज्यसभा अगर चाहे तो संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिराक को ऑस्ट्रेलिया, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो राज्य जिसकी तटरेखा गुजरात के पास सबसे लंबी है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पालघाट। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच आपका पालघाट है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 22 भाषा शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस भाषा में कार्य करता है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मशीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रतिपादन देवदासियों द्वारा किया गया था? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी भरतनाट्यम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते फ्रेंड, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थल यानी शांति घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी केरल में। ठीक है, शांति घाटी कहाँ है? केरल में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी धनबाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय खनन आपके धनबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वर्ष 2022 का कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किया जाएगा? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बर्मिंघम में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से सीमा साझा करता है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी चीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बंगाल के। ठीक है, मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्थल कौन सा है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी स्नानागार। मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्थल है स्नानागार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी थालघाट, भोरघाट, उसके बाद पालघाट। ठीक है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है?
सो फ्रेंड यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य कला से संबंधित पुस्तक नाट्य शास्त्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, तो आप नोट भी करते चलिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लखनऊ में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी केरल से, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 केरल से होकर नहीं गुजरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम किसान निधि के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 6,000 रुपया सालाना। ओके अभी जल्दी शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ओके सो अगला क्वेश्चन है, भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी एक लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।